सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग छठा का जो है अतीत से वर्तमान किताब का चौथा अध्याय प्रथम कृषक एवं पशुपालक का जो है चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में जो है हम लोग भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, प्रथम कृषक एवं पशुपालक आप लोग जो है पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। हमने बताया है कि मानव की प्रारंभिक जो अवस्था थी वह बहुत ही संघर्षशील और कठिनाई वाली थी। बच्चों, जो मानव की प्रथम अवस्था थी, उनको जो है कृषि कार्य करने नहीं आता था। वह जो है जंगलों में घूमते रहते थे, वह जो है जानवरों को मार कर कच्चे खा जाते थे, उनके रहने के लिए कोई मकान नहीं होते थे, जो है उनके चलने के लिए कोई वाहन नहीं होते थे, और जो है न ही उसमें उन लोगों में कोई भाषा का ही ज्ञान था। ये सारे चीज़ों का जो है देखा जाए तो बहुत ही कठिनाई वाला चीज़ है। अगर हमारे जीवन में हमें भाषा नहीं आए, हम अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति से कोई व्यक्त नहीं कर पाए, हम जो है कृषि नहीं कर पाए, हम जो है जल्दी से कोई भी चीज़ों को जो है उसको प्रमाणित न कर किसी भी चीज़ को जो है हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाए न ले आ पाए, न ही जो है वस्तु विनिमय कर पाए, तो ये बहुत ही कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती हैं। हमारे मान लीजिए कोई बीमारी ही हो जाए, उसकी जो है इलाज नहीं हो पाए, तो ये कितनी कठिनाई और संघर्षशील जीवन है, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। बच्चों, एक और बात आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे चीज़ों के एक ही इसके पीछे कारण था, वह कारण था जैसे कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाया था। बौद्धिक क्षमता अर्थात उसके जो है दिमाग की जो शक्ति थी वह जागृत नहीं हो पाए थे, इसलिए वह जो है पशु के समान विचरण करता था, घूमते रहता था। बच्चों, जैसे जैसे मानव के मस्तिष्क में ज्ञान का जो है भंडार संचालित होने लगा और जो है वह भरने लगा, तो वह धीरे धीरे वो जो है आगे की तरफ बढ़ने लगा। बच्चों, आप लोगों को हमने बताया है कि मनुष्य जो था वह पत्थरों से ही जानवरों को मारता था, बाद में धीरे धीरे उनकी क्रमिक विकास हुई और पत्थरों में उन्होंने धार लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने धातु के जो है औजार बनाने लगे, लकड़ी के औजार, नुकीले औजार बनाने लगे, और जब उसके बाद जो है खेती कार्य भी करने लगे। ऐसे में कुछ विद्वानों का मत है कि यूनान का इराकी क्षेत्र में जो है उसमें कृषि कार्य पहले आरंभ हुई पहाड़ी के निचले क्षेत्रों में, लेकिन कुछ भारत में भी जो है ऐसे क्षेत्र पाए गए हैं जहाँ पे जो है कृषि कार्य के बहुत पुराने सबूत साक्ष्य मिलते हैं। बच्चों, आपको बताते हैं मनुष्य जो है जानवर को भी प्राचीन समय में पालता था, तो उस जानवरों को जो है मनुष्य पालते थे जिस जानवर को रखने के लिए या उन्हें भोजन देने के लिए किसी भी चीज़ का जो है हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। मान लीजिए किसी ऐसे जीव को हम लोग पाल लेते हैं जिसके लिए खाने के लिए खाना समय पर उपलब्ध कराना पड़ेगा, वैसे जीवों को पालने के लिए मनुष्य जो है कहाँ से पालेगा, कहाँ से खिलाता, उससे मतलब तो कृषि कार्य थे, न ही भोजन करने का कोई साधन ही उपलब्ध था। तो बच्चों, उस समय जो है मनुष्य कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। कुत्ता जो है ना ही खतरनाक किस्म का था और ना ही जो है उसे खाने के लिए कोई विशेष झंझट करना पड़ता था। वह जो है मनुष्य के साथ में रहता था और शिकार करने में मनुष्यों की सहायता करता था। मनुष्य को जो है साथ साथ जो है शिकार को पकड़ता था और मनुष्य शिकार को पकड़ कर जो है खुद सब अपनों भी खाते थे कच्चे और उस कुत्ते को भी खिलाते थे। उसके बाद क्रमश रूप से भेड़ बकरी इत्यादि चीज़ों को जो है मनुष्य पालने लगा और कृषि कार्य धीरे धीरे जो है अन्न के दानों से निकले हुए उपजे हुए अनाज को जो है देख कर उससे जो है उनका दिमाग पर असर पड़ा और कृषि कार्य भी धीरे धीरे होने लगे। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य जो है जीवन क्रम जो है चलने लगा और धीरे धीरे आगे की तरफ अग्रसर हुआ। तो बच्चों, कुछ खास जगह पर कुछ खास चीज़ों का जो है पाया जाना उपलब्धता है, इसलिए उस खास जगहों को जो है हम लोग नामांकित किए हैं और उसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो
कह रहा है यहाँ देखिए प्राप्त वस्तु और यहाँ पे लिखे है पूरा स्थल, इसको अंडरलाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ जौ भेड़ बकरी ये कहाँ पर सबसे पहले पाए गए तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है यहाँ पर इनके साक्ष मिलते हैं। बच्चों कह रहा है तो अगला पॉइंट चावल को तो जानवर की हड्डियाँ सबसे पहले कहाँ पर मिले हैं तो कोलियावा जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आगे देखिए चावल को जानवर के खून के निशान सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए हैं मिले हैं तो मेहरगढ़, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है गेहूँ कोमा दलहन कोमा कुत्ता कोमा भेड़ बकरी ये जो कहा सबसे पहले प्राप्त हुए इनके प्रमाण तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, ठीक ना। अगला कह रहा है गेहूँ चना जौ ये जो कहा प्राप्त हुए हैं तो चिरांग जो कि बिहार में है। और बच्चों यहाँ देखेंगे कह रहा है काला चना ज्वार बाजरा भेड़ सुअर ये कहाँ पर सबसे पहले इसके प्रमाण मिले हैं तो पेयम पल्लवी जो कि आंध्र प्रदेश में है। बच्चों इसे आप लोग फेयर के कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आप लोग जो है इसको जो है पढ़ा चुकी या न्यू पार्ट है नया पार्ट आरंभ हमने आज किया है। आप लोगों को जो भी हमने समझाया है और जो है जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा है अब कल के डेट में अगले वीडियो में जो है इसके और विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग करेंगे। आज जो है आप लोगों को इसको लिख लेना है जो भी हमने समझाया है उस बातों को अवलोकन करना है समझना है और किताब जो है निश्चित रूप से पढ़ना है। किताब पढ़िएगा तभी आप लोगों को जो हम समझाएँ वो समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।